हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नर्सिंग करंट एंड प्रैक्टिकल में। सो वी आर डूइंग एमसीक्यूज ऑफ इम्पॉर्टेंट नर्सिंग थ्योरी। इससे पहले हमने कवर किया था और उसी के एमसीक्यूज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले के भी हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन किया हुआ है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो आज का क्वेश्चन है, द नर्स इज एक्सप्लेनिंग द एप्रोप्रिएट मैथड फॉर द मेजरिंग एन एक्यूरेट टेम्परेचर टू एन अनलाइसेंस्ड असिस्टेड पर्सनल। You are posted in a ward or some other person UAP जो अभी license नहीं है practice करने के लिए, जिसके पास अभी registration वगैरह नहीं है, he is helping you or she is helping you. So for example, student helping you. So the question is, which method if noted by UAP is being an appropriate method indicate the need of further teaching. उनके according कौन सा method आपको गलत लग रहा है जिसको फर्दर एजुकेशन का जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द पर्सन स्टेट और इफ़ द पर्सन टेकिंग अ रेक्टल टेम्परेचर फॉर ए क्लाइंट हु हैज अंडरगोन नेजल सर्जरी। टू, टेकिंग एन ओरल टेम्परेचर फॉर ए क्लाइंट विद अ कफ एंड नेजल कंजेशन। थ्री, टेकिंग एन ऑक्सिलरी टेम्परेचर फॉर ए क्लाइंट हु हैज जस्ट कंज्यूम्ड हॉट कॉफी। एंड फोर, टेकिंग एन टेम्पोरल टेम्परेचर ऑन द नेक बिहाइंड द ईयर फॉर ए क्लाइंट हु इज डायफ्रोटिक। सो द राइट ऑप्शन इज टू, टेकिंग एन ओरल टेम्परेचर फॉर ए क्लाइंट विद कफ एंड नेजल कंजेशन। सो दिस मैथड रिक्वायर्ड फर्दर टीचिंग। इफ द यू ए पी पर्सन इज टेकिंग ओरल टेम्परेचर ऑफ नेजल कंजेशन पेशेंट और कफ पेशेंट, सो दिस इज इनअप्रोप्रिएट मैथड एंड दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड फर्दर टीचिंग। इसका ऑप्शन हम पढ़ते हैं, रैशनल इज द ओरल टेम्परेचर शुड बी अवॉइडेड इफ द क्लाइंट हैज नेजल कंजेशन। अगर नेजल कंजेशन है पेशेंट को तो ओरल टेम्परेचर नहीं लेना है। वन ऑफ द अदर मेथड ऑफ मेजरिंग द टेम्परेचर शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द इक्विपमेंट अवेलेबल। फॉर एग्जाम्पल, टेकिंग ए रेक्टल टेम्परेचर फॉर ए क्लाइंट हु हैज नेजल सर्जरी इज एप्रोप्रिएट। इस कंडीशन में रेक्टल टेम्परेचर ले सकते हैं। अदर लेस इन्वेजिव मेथड शुड बी यूज इफ अवेलेबल। रेक्टल टेम्परेचर से भी अगर लेस इन्वेजिव मेथड आप यूज कर सकते हैं तो वो वाला पहले करना है। जैसे रेक्टल टेम्परेचर के लिए काफ़ी सारा प्राइवेसी की जरूरत होती है एंड इट्स अ पेनफुल प्रोसीजर। सो इफ यू हैव यू कैन टेक ऑक्सिलरी टेम्परेचर ए क्लाइंट हु जस्ट कंज्यूम कॉफी इज एक्सेप्टेबल। However, the auxiliary method of measurement is the least reliable and other methods should be used if available. अगर आप auxiliary भी नहीं लेना चाहते तो आप temporal equipment अगर आपके पास है तो temporal वाला use करना है। So, ultimate जो question का एक simple point बात करें तो ओरल टेम्परेचर नहीं लेना है। अगर पेशेंट को नेजल कंजेशन है, कफ है, तो उस सिचुएशन में ओरल टेम्परेचर नहीं लेना चाहिए। यू कैन अवेल द अदर ऑप्शन, फॉर एग्जांपल ऑक्सिलरी मेथड, टेम्पोरल मेथड एंड लास्ट में रेक्टल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लाइंट इज रिसीविंग एक कॉन्टिन्यूस इंट्रावीनस इन्फ्यूजन ऑफ हेपरिन सोडियम। एक क्लाइंट है जिसको कॉन्टिन्यू हेपरिन सोडियम का इन्फ्यूजन चल रहा है टू ट्रीट डीप वेन थ्रोम्बोसिस। द क्लाइंट्स एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम APTT लेवल इज 65 सेकेंड। नर्स एंटीसिपेट दैट विच एक्शन इज नीडेड। पेशेंट को हेपरिन कंटिन्यू चल रहा है आईवी हेपरिन सोडियम और उसका APTT लेवल 65 आया है, तो इस सिचुएशन में एज ए नर्स क्या करना है आपको। वन, डिसकंटिन्यू द हेपरिन इन्फ्यूजन। टू, इंक्रीजिंग द रेट ऑफ हेपरिन इन्फ्यूजन। थ्री, डिक्रीज द रेट ऑफ हेपरिन। एंड फोर, लीविंग द रेट ऑफ हेपरिन इन्फ्यूजन एज इट इज। सो राइट इज फोर, राइट ऑप्शन इज फोर, लीविंग द रेट ऑफ हेपरिन इन्फ्यूजन एज इट इज। कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है। सो इसका रेशनल पढ़ते हैं हम।
जो हैपरिन है एपीटीटी लेवल है उसका नॉर्मल रेंज होता है 28 to 35 सेकेंड, 28 से 35 सेकेंड तक होता है। अगर उसको हैपरिन थेरापेटिक डोज चल रहा है, थेरापेटिक डोज ऑफ हैपरिन इज कंटिन्यूइंग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डीवीटी, तो उसका डोज के अकॉर्डिंग एपीटीटी लेवल भी चेंज हो जाता है। अगर 1.5 है तो एपीटीटी लेवल कैन वेरीज 42 to 52। अगर उसका 2.5 हैपरिन डोज, देन 70 to 87 तक हो सकता है एपीटीटी लेवल। सो दिस मीन्स दैट द क्लाइंट वैल्यू शुड नॉट बी लेस देन 40 सेकेंड, 42 सेकेंड एंड नॉट ग्रेटर देन 87 सेकेंड। सो अगर थेरापेटिक हैपरिन डोज चल रहा है पेशेंट का, तो एपीटीटी लेवल कैन वेरीज 45, 42 to 87, और हमारे क्वेश्चन में दिया गया है 65। दैट मीन्स इट इज़ नॉर्मल, कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 4 इज़ राइट। सो बेसिक क्या है क्वेश्चन में? एपीटीटी लेवल, नॉर्मल एपीटीटी लेवल कितना होना चाहिए? 28 to 35 सेकेंड। अगर हेपरिन डोज चल रहा है टू ट्रीट डीवीटी, तो उसका रेंज चेंज हो सकता है एंड दैट रेंज वेरीज फ्रॉम 42 to 87। अगर इसके बीच का डोज आपके पास है तो यू नो नीड टू चेंज एनीथिंग। अगर 42 से कम आता है देन यू हैव टू स्टॉप द इन्फ्यूज़न, 87 से ज़्यादा आता है देन ऑल्सो यू हैव टू स्टॉप द इंजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्लाइंट विद अ हिस्ट्री ऑफ कार्डिक डिजीज, एक पेशेंट है जिसको कार्डिक डिजीज का हिस्ट्री है, इज ड्यू फॉर ए मॉर्निंग डोज ऑफ फ्रोसामाइड, उसको फ्रोसामाइड का डोज लगना है। विच सीरम पोटाशियम लेवल इफ नोटेड इन क्लाइंट लेबोरेटरी रिपोर्ट शुड बी रिपोर्टेड बिफोर एडमिनिस्टर द डोज ऑफ फ्रोसामाइड। एक कार्डियक का पेशेंट है, उसको सुबह मॉर्निंग का फ्रोसामाइड डोज लगना है, लेकिन उससे पहले आपके हाथ में लेबोरेटरी टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है जिसमें पोटाशियम लेवल आपने देखा जो कि वेरीज है, जो या तो नॉर्मल है या जो भी कंडीशन आपको बताई जाएगी, उस टाइम पे आपको क्या करना है? 1, 3.2 mEq/L, किस रिपोर्ट को आपको रिपोर्ट करना है, मतलब किस ब्लड इन लेवल को आपको रिपोर्ट करना है टू दी फिजिशियन कि देना है कि नहीं देना डोज। 1, 3.2 mEq/L, 2, 3.8, 3, 4.2 and 4, 4.8। सो राइट ऑप्शन इज 1। आपने ब्लड इन्वेस्टिगेशन देखा और आपने देखा कि पोटाशियम लेवल जो है 3.2 mEq/L आया है पेशेंट का, तो आपको उसको रिपोर्ट करना है बिकॉज इट्स लो। नॉर्मल पोटाशियम लेवल 3.5 to 5 mEq/L होता है और रिपोर्ट में आपने 3.2 देखा, दैट मीन्स पोटाशियम लेवल इज लो एंड द करेक्ट ऑप्शन इज द ओनली वैल्यू दैट फॉल बिलो द थेरापेटिक रेंज। इस टाइम पे अगर एडमिनिस्टर फ्रूसामाइड, अगर आपने इस टाइम पे एडमिनिस्टर करते हैं हाइपोकैलेमिया की कंडीशन में अगर फ्रूसामाइड दिया जाता है, देन इट कैन कोज प्रेसिपिटेट द वेंट्रिकुलर डिसरिथमिया इफ इन कार्डियक पेशेंट। सो वी हैव टू होल्ड, वी हैव टू स्टॉप द, उस टाइम पे आपको इंजेक्शन नहीं लगाना है और रिपोर्ट करना है टू द डॉक्टर। तो बेसिक क्या है क्वेश्चन का? नॉर्मल सोडियम पोटाशियम लेवल, नॉर्मल पोटाशियम लेवल 3.5 to 5 mEq/L है, आपको फ्रूसामाइड इंजेक्शन देते टाइम ध्यान रखना है, नॉर्मल रेंज अगर कम है देन यू हैव टू स्टॉप द इंजेक्शन एंड यू हैव टू रिपोर्ट द डॉक्टर। एंड अगर हाइपोकैलेमिया की कंडीशन में फ्रूसामाइड इंजेक्शन लग जाता है, इट कैन प्रेसिपिटेट द वेंट्रिकुलर एरिथमियास। नेक्स्ट, सेवरल लेबोरेटरी टेस्ट आर प्रिस्क्राइब फॉर ए क्लाइंट एंड द नर्स रिव्यू द रिजल्ट ऑफ टेस्ट, विच लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट शुड द नर्स रिपोर्ट, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। आपके पास बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं एंड यू आर जस्ट एंटिसिपेटिंग द रिपोर्ट्स,
कौन सी रिपोर्ट को आपको यू आर सपोज कि ये गलत है एंड यू शुड रिपोर्ट टू द डॉक्टर. वन, प्लेटिलेट लेवल, यू आर सीइंग दैट प्लेटिलेट लेवल इज 35,000 mm. टू, सोडियम इज 150, पोटाशियम 5, सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल 40%, क्रिएटिनिन इज 1 mg पर डीएल एंड ब्लड वाइट ब्लड सेल इज 3000. सो सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई मीन्स एक से ज़्यादा ऑप्शन आपके ऑप्शन में आ सकते हैं. तो इसमें से आपके पास जो चार्ट है ब्लड इन्वेस्टिगेशन का, आपको इसमें से कौन सा ब्लड इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल नहीं लग रहा है जिसको आपको रिपोर्ट करना है. सो फर्स्ट इज 1, 2, 4 and 6. ये वाली इन्वेस्टिगेशन इट्स नॉट नॉर्मल, ये सब नॉर्मल नहीं है एंड यू शुड रिपोर्ट इट. प्लेटिलेट लेवल, इसमें 35,000 दिया है जबकि नॉर्मल रेंज 1.5 लाख से 4 लाख तक होना चाहिए, दो ये लो है, ये भी आपको रिपोर्ट करना है. सोडियम लेवल 150 है जो 135 to 145 होना चाहिए, ये काफ़ी हाई है तो ये भी रिपोर्ट करना है. सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल 40%, सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल 60 to 70% होना चाहिए, इट्स लो. एंड वाइट ब्लड सेल्स शुड बी 4,000 to 10,000, इट ऑल्सो लो बिकॉज 3,000 है. 1, 2, 4, 6 नॉर्मल वैल्यू जो कि हमने अभी पढ़ा, 1.5 to 4 सोडियम, 135 to 145 पोटाशियम इज नॉर्मल, हमारा भी नॉर्मल था. क्रिएटिनिन ऑल्सो 1 दिया गया था सो इट्स नॉर्मल. वाइट ब्लड सेल्स हमें 3000 था, ये 5000 to 10000 होना चाहिए सो इट्स रॉन्ग. प्लेटिलेट लेवल नोटेड इज लो, ये जो हमने अभी कर लिया है. तो बेसिक क्या है क्वेश्चन का, आपकी नॉर्मल रेंज, प्लेटिलेट का नॉर्मल रेंज, वाइट ब्लड सेल का नॉर्मल रेंज, क्रिएटिनिन का नॉर्मल रेंज, ये सारी नॉर्मल रेंज आपको पता होनी चाहिए. इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन जरूर आते हैं एनसीएलएक्स में और नॉर्सेट में. नेक्स्ट है, तो फाइनली एनएसएड का क्वेश्चन आया है जो हमने लास्ट थ्योरी में पढ़ा था, नर्सिंग नोट्स थ्योरी में पढ़ा हुआ है हमने ये वाला ब्रूफिन के बारे में. ब्रूफिन इज एनएसएड और इससे रिलेटेड हमने कुछ पॉइंट पढ़े थे कि एनएसएड को एंटीकोएगुलेंट के साथ नहीं लेना चाहिए. एनएसएड जो होते हैं हाइपोग्लाइसीमिया करते हैं और एनएसएड जो होते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के साथ मिलके टॉक्सिसिटी भी कर सकते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने वहाँ पे पढ़े थे. दो क्वेश्चन है कि अगर पेशेंट ब्रूफिन ले रहा है एंड यू आर गैदरिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ पेशेंट कि उसका बाकी हिस्ट्री अबाउट द मेडिकेशन, वो क्या क्या मेडिकेशन और ले रहा है एक्सेप्ट ब्रूफिन एंड यू फाइंड समथिंग, सो क्या आपको बताना चाहिए टू दी HCP अबाउट दिस मेडिकेशन. 1, वारफरिन. 2, ग्लिमिप्रिड. 3, एम्लोडिपिन. 4, सिमवेस्ट्रेटिन एंड 4, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड. सो सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं. सो फर्स्ट हमारा इसमें आएगा ग्लिमिप्रिड, क्योंकि जो एनएसिड होती है वो OHA है, ग्लिमिप्रिड हाइपोग्लाइसीमिया, एनएसएड हाइपोग्लाइसीमिया कर सकती है. सो ग्लिमिप्रिड भी ले रहा है पेशेंट तो उससे भी हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस होते हैं, तो ये दोनों मिलके ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया कर सकती हैं पेशेंट में. तो यू शुड रिपोर्ट टू दी HCP कि पेशेंट ऑलरेडी टेकिंग ग्लिमिप्रिड और उसके साथ ब्रूफिन अगर देंगे तो दैट सिचुएशन कैन बी रिगार्ड गो टू इन फेवर ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया. 2, नेक्स्ट इज एम्लोडिपिन. एम्लोडिपिन इज अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इट ऑल्सो मेक टॉक्सिसिटी विद ब्रूफिन. आंसर देख लेते हैं हम. 1, 2 and 3 वारफरिन ऑल्सो एंटीकोएगुलेंट, राइट, एंटीकोएगुलेंट के साथ ग्लिमिप्रिड और एम्लोडिपिन, तीनों के साथ ब्रूफिन का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए बिकॉज एनएसएड इंफ्लामेटरी ड्रग जो होती है कैन इम्प्लीफाई द इफेक्ट ऑफ एंटीकोएगुलेंट. अगर ऑलरेडी पेशेंट वारफरिन पे है और एंटीकोएगुलेंट भी दे दिया तो इसका इफेक्ट ज़्यादा हो सकता है, इट इम्प्लीफाई द इफेक्ट ऑफ एंटीकोएगुलेंट. देयरफॉर दिस मेडिकेशन शुड नॉट टेक टुगेदर. हाइपोग्लाइसीमिया मे ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम क्लाइंट टेकिंग ब्रूफिन. इफ द क्लाइंट इज कंकरेंटली टेकिंग इन ओरल
hypoglycemic agents such as glimepiride, these medications should not be combined. High risk of toxicity exists if client is taking grofine concurrently with calcium channel blocker such as amlodipine. So these are the some point हमने nursing notes theory में भी पढ़ा है last video में, तो हमारा ये वाला question अच्छे से clear हो गया है कि क्या क्या आपको ध्यान रखना है NSAID देते टाइम. नेक्स्ट, एक क्लाइंट विद डायबिटीज मेलाइटिस, एक पेशेंट है डायबिटीज का, हैज ए ग्लाइसोलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c लेवल ऑफ 9, ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट रिजल्ट द नर्स प्लान टू टीच द क्लाइंट अबाउट द नीड फॉर विच मेजर्स. आपने HbA1c का रिपोर्ट देखा ब्लड पेशेंट का, दैट इज 9, सो विच इज हाई. हाई के अकॉर्डिंग आपको क्या टीच करना है पेशेंट को, वट feel you will teach the patient. 1. Avoiding infection. 2. Taking in adequate fluid. 3. Prevention and recognition of hypoglycemia. And 4. Prevention and recognition of hyperglycemia. So right answer is, so right option is 4. Prevention and recognition hyperglycemia. हाइपरग्लाइसीमिया के बारे में आपको टीच करना है पेशेंट को, कैसे प्रिवेंट करना है, कैसे रिकॉग्नाइज करना है, बिकॉज HbA1c लेवल इज 9 एंड दैट इज हाई. विल रीड द रेशनल ऑल्सो. द नॉर्मल रेंज फॉर ग्लाइसोलेटेड हीमोग्लोबिन, HbA1c को ग्लाइसोलेटेड हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं, इज 4 to 6, और हमारा जो क्वेश्चन है उसमें 9 है, सो दैट इज टू मच हाई. सो 4 to 6 का नॉर्मल रेंज होता है HbA1c का. And this test measure the amount of glucose that become permanently bound to the red blood cell from circulating glucose. ये जो glucose होता है ये red blood cell के साथ bound हो जाता है, और red blood cell का life span 120 days तक होता है, इसलिए HbA1c को 3 month का sugar देखने के लिए करवाया जाता है कि last 3 month कैसा रहा था, क्योंकि उसमें पूरा last एरिथ्रोसाइट की जो मेमोरी बन गई है ग्लूकोज बाउंड की रेड ब्लड सेल में, वो सारा आपको पता चल जाता है. चाहे आज का लेवल सही है शुगर का, लेकिन HbA1c नॉर्मल नहीं है, 9 है, इट मींस लास्ट 3 month वाज नॉट नॉर्मल, उस टाइम पे शुगर वाज हाई. सो अकॉर्ड HbA1c कराने से ब्लड शुगर का 120 लास्ट 120 डेज का पता चल जाता है. एंड एलिवेशन इन द ब्लड ग्लूकोज लेवल will cause elevation in the amount of glycosylation also. Thus, the test useful identify client who has episodes of hyperglycemia. और जिनका HbA1c 9 है, उनका एक average blood sugar level 212 होता है mg/dL. मतलब 9 है तो उनका एक average sugar 212 तक randomly blood में circulate हो रहा है. सो बेसिक क्या है क्वेश्चन का, फर्स्ट तो एक HbA1c का नॉर्मल रेंज 4 to 6 होना चाहिए. अगर हाई है इट मींस लास्ट 120 डेज वाज नॉट गुड. 9 के हिसाब से पेशेंट का ग्लूकोज लेवल 212 तक रहा होगा, दैट इज नॉट नॉर्मल, विच वाज अफेक्टिंग द वाइटल ऑर्गन आल्सो. नेक्स्ट, द नर्स इज केयरिंग फॉर क्लाइंट with a diagnosis of cancer who is immunosuppressed. Nurse would consider implementing neutropenic precaution if the client white blood cell count was which value. जो immunosuppression cancer की condition में immunosuppression medication दी जाती है, immunosuppressed भी हो जाते हैं patient. So the question पूछा है, nurse would consider implementing a neutropenic प्रिकॉशन इफ द क्लाइंट व्हाइट ब्लड सेल वॉज विच वैल्यू. किस वैल्यू पे आप न्यूट्रोफिनिक प्रिकॉशन शुरू कर देंगे, मतलब किस वैल्यू से आपको पता चलेगा कि पेशेंट नीड मोर अटेंशन अबाउट इन्फेक्शन प्रिवेंशन. फॉर एग्जाम्पल, इफ व्हाइट ब्लड सेल 5,800, 8,500, 3, 8,400, and 4,11,500. So right option is
वन इज ल्यूकोपिनिक कंडीशन। ल्यूकोपिनिक मतलब WBC कम हो गया है, पेशेंट का WBC बहुत कम हो गया है और इस कंडीशन में उसको न्यूट्रोपिनिक प्रिकॉशंस देना है। न्यूट्रोपिनिक प्रिकॉशन मतलब इन्फेक्शन ना हो पेशेंट को, ऐसे मेजर्स आपको पेशेंट के अराउंड अरेंज करना है, मास्क लगाना है और सारा हाइजीनिक बैरियर नर्सिंग सारा कुछ न्यूट्रोपिनिक प्रिकॉशन के अंडर आता है। सो अगर WBC काउंट इज 2000 मीन्स पेशेंट इज ल्यूकोपेनिक एंड पेशेंट नीड्स मोर अटेंशन टुवर्ड प्रिवेंशन इन्फेक्शन कंट्रोल। इसका रेशनल हम पढ़ेंगे, द नॉर्मल WBC काउंट शुड बी 5000 टू 10000 और पेशेंट का 2000 आया है। द क्लाइंट हु हैज डिक्रीज इन नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग WBC इज इम्यूनो सप्रेस्ड, उनका इम्यून सप्रेस हो गया है। मतलब नर्स इज इम्प्लीमेंट न्यूरो प्रिकॉशन व्हेन द क्लाइंट वैल्यू फॉल सफिशियंटली बिलो द नॉर्मल लेवल। स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ इम्प्लीमेंट न्यूट्रोपिनिक प्रिकॉशन यूजुअली इज डिटरमाइंड बाई द एजेंसी पॉलिसी। एजेंसी पॉलिसी मतलब हॉस्पिटल के जो अलग अलग रूल्स होते हैं कि कैसे आप बैरियर नर्सिंग प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को, मास्क लगाना है, विजिटर्स को अवॉइड करना है, पेशेंट के अराउंड कुछ भी फ्लावर पॉट वगैरह भी नहीं होना चाहिए, वेंटिलेशन कैसा होना चाहिए, खाना कैसा होना चाहिए, हाइजीनिक प्रोसीजर कैसे होने चाहिए, तो ये सब न्यूट्रोपिनिक प्रिकॉशंस में आती हैं इफ पेशेंट इज इम्यूनो सप्रेस्ड। नेक्स्ट इज अ क्लाइंट वो टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट स्टेट दैट ही हैज एक्सीडेंटली बीन टेकिंग टू टाइम्स हिज प्रिस्क्राइब्ड डोज ऑफ वारफरिन फॉर पास्ट 2 वीक्स। After noting that client has no evidence of obvious bleeding, the nurse plan to take which action? एक emergency में patient आया है and he is giving the history of taking warfarin 2 times. जबकि warfarin उसको एक बार prescribe किया गया था, लेकिन उसे पता नहीं था, उसने 2 बार ले लिया है और वो 2 हफ्ते से ऐसा ले रहा है। लेकिन history लेते time उसको कोई bleeding का evidence नहीं है, no evidence of obvious bleeding. तो इस टाइम पे व्हाट विल बी द नर्सिंग एक्शन? वन, प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर एन एंटीडोट। टू, ड्रॉ ए सैंपल फॉर टाइप एंड क्रॉस मैच एंड ट्रांसफ्यूज द क्लाइंट। थ्री, ड्रॉ अ सैंपल फॉर एपी एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम लेवल। एंड फोर, टू चेक PTINR लेवल। सो राइट आंसर इज 4, ड्रॉ द सैंपल टू चेक PTINR लेवल। अगर वारफरीन चल रहा है और उस गलती से पेशेंट ने ज़्यादा ले लिया है डोज, तो PTINR लेवल चेक करना है। इसका रैशनल हम पढ़ेंगे, द एक्शन दैट नर्स शुड टेक टू ड्रॉ ए सैंपल फॉर PTINR लेवल टू डिटरमाइन द क्लाइंट वारफरीन कोएगुलेशन स्टेटस एंड रिस्क फॉर ब्लीडिंग। And this PTINR level also provide the information about the warfarin dose. जो वारफरिन चलता है तो पेशेंट का PTINR लेवल भी चेक करते रहना है, अगर कम हो रहा है तो वारफरिन का डोज भी कम करना है। सो वारफरिन अगर है तो PTINR आपको देखना है। तो बेसिक क्या है, अगर पेशेंट वारफरिन पे है तो PTINR लेवल शुड बी चेक्ड रेगुलरली। इस टाइम पे एंटीडोट विटामिन के, वारफरीन का एंटीडोट विटामिन के होता है एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। अगर ब्लीडिंग नहीं है, PTINR लेवल नॉर्मल है, तो विटामिन के की ज़रूरत नहीं है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी ज़रूरत नहीं है। जो APTT होता है दैट मोनिट द इफेक्ट ऑफ हेपरिन थेरेपी, हेपरिन थेरेपी का मॉनिटरिंग APTT लेवल से करते हैं। वारफरीन थेरेपी का मॉर्निंग थेरेपी का मॉनिटरिंग PTINR लेवल से करते हैं। सो बेसिक क्या सीखा हमने इस क्वेश्चन से, फर्स्ट वारफरिन अगर चल रहा है पेशेंट को तो PTINR लेवल चेक करना है, हेपरिन अगर चल रहा है तो APTT लेवल चेक करते रहना है। नॉर्मल वारफरिन का एंटीडोट विटामिन के होता है, अगर ये एक्सेस हो जाता है या कोई टॉक्सिसिटी हो जाती है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत भी पड़ सकती है। सो दीज 4 पॉइंट्स वी हैव लर्न फ्रॉम दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी लंबा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
An adult female client has a hemoglobin level of 10.8 gram per dl. Nurse interpret that the result is most likely caused by which condition noted in client history. एक पेशेंट है, फीमेल पेशेंट है जिसका एच बी लेवल इज 10.8. सो वॉट यू विल इंटरप्रेट एज ए नर्स कि विच कंडीशन इज रिलेटेड टू दिस एच बी लेवल. वन, डिहाइड्रेशन. टू, हार्ट फेलियर. थ्री, आयरन डिफिशेंसी एनीमिया. एंड फोर, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD. सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर थ्री, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. 10.8 HB अगर है तो दिस इज द कंडीशन ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. रेशनल हम पढ़ेंगे. द नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल इन अडल्ट फीमेल क्लाइंट इज 12-16. ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है मोस्टली. नॉर्मल रेंज क्या होता है, किसी में 13-16 होता है, किसी में 14 भी होता है, किसी में 12 होता है. आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कैन रिजल्ट इन लोअर हीमोग्लोबिन लेवल. सो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हीमोग्लोबिन लेवल कम होगा. बाकी जो ऑप्शन है हमारे पास, डिहाइड्रेशन, कार्डिक फेलियर एंड COPD, उसमें हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा. इसके बारे में हम पढ़ेंगे. डिहाइड्रेशन में इंक्रीज द हीमोग्लोबिन लेवल बाय हीमो कंसनट्रेशन. हीमो कंसनट्रेशन, अगर फ्लूड कम हो गया है तो हीम कंसनट्रेशन होता है, क्लस्टर्स बन जाते हैं जिसकी वजह से HP लेवल बढ़ सकता है. एंड हार्ट फेलियर एंड COPD ऑल्सो इंक्रीज द HB लेवल, बिकॉज ऐसी वाली कंडीशन में बॉडी का ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से भी बॉडी ऑटोमेटिकली HB लेवल को इंक्रीज कर देती है. सो दीज आर द कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म. वो थोड़े टाइम के लिए होता है, फिर नॉर्मल हो जाता है. लेकिन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया अगर है तो HB लेवल कम रहता है. 10.8 इज कंसिडर्ड एज एनीमिया. नेक्स्ट